मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द को, जो कहने में सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। अभी तक पेट में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, पेट 2021, पेट 2022 और जितने सेट हुए हैं, लगभग सारे सेटों में एक एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिला है और बहुत ही आसान प्रश्न वो होते हैं। तो आइए हम लोग कुछ जो है देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्टली भी मिल सकता है, नहीं तो आपको जितना यहाँ पढ़ लेंगे, इतना जान जाएंगे, तो आप विकल्प से छाटते हुए प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक एक एक शब्द पे ध्यान लगाइएगा। 5 से 10 मिनट की क्लास होगी, 10 मिनट की मैक्सिमम क्लास होगी और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो जो है आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप जो है रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को जो आप शेयर करिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला है आदि, आधि और व्याधि का क्या अर्थ होता है। तो आधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट, ठीक है। फिर अगला है अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। फिर है अनिल और अनल। कैसे याद रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए, अनिल और अनल, जब अनल का क्या अर्थ होता, आग, केवल अनल पे फोकस करिएगा। किस पे? अनल पे। जब आग लगती है तो हम किससे बुझाते हैं, नल से बुझाते हैं ना, तो अनल का आग हो गया और अनिल का क्या हो गया, हवा हो गया। तो एक का याद हो गया और ये बहुत बार पूछा गया है। अली और अली, ये भी कई बार पूछा गया। अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी। अचल और अचला, अचल मतलब पर्वत हो गया, अचला मतलब पृथ्वी होता है। अविराम, अविराम मतलब लगातार, अभिराम मतलब क्या होता, सुंदर। क्या होता भैया, सुंदर। अभय और उभय, अभय, अभय मतलब निडर या निर्भय, उभय मतलब दोनों, ठीक। उभयचर सुने हैं ना, उभयचर जो क्या होता है, जल और थल दोनों में रह लेता है, उसे उभयचर बोलते हैं। तो उभय मतलब दोनों हो गया। फिर आ रहा है मंदिर और मंदिरा। मंदिर मतलब जानते हैं पूजा घर, और मंदिरा मतलब अश्वशाला। और मदिरा अगर हो जाए केवल, मंदिर के साथ मदिरा भी पूछता है, मंदिरा अगर नहीं पूछा तो मदिरा का अर्थ होता है शराब, शराब होता है ना, तो ये भी ध्यान आप लोग रखिएगा। कुल और कूल, कुल कूल, कुल मतलब क्या, खानदान, क्या, खानदान। तो कुल का अर्थ होता है खानदान और कूल मतलब किनारा, ध्यान रखेंगे। और मतलब तरफ और मतलब तथा। अंश और अंश, छोटा सा रहेगा तो कंधा हो जाएगा, बड़ा सा रहेगा तो भाग या हिस्सा हो जाएगा। बदन और वदन, बदन मतलब पूरा शरीर और वदन मतलब केवल मुख, ठीक है, केवल और केवल मुख। आगे बढ़ेंगे, दमन और दामन। दमन मतलब किसी चीज़ को दबाना और दामन मतलब क्या होता, आँचल, क्या हो जाएगा, आँचल। बात और वात, बात मतलब बातचीत करना, वात मतलब हवा हो जाएगा, वार्तालाप और हवा, कामा लगा लीजिएगा। चीर और चीर, चीर मतलब क्या होता, पुराना, चीर मतलब क्या होता, कपड़ा, अलग अलग है, मतलब चीर, चीर का अर्थ होता है पुराना, बड़ी चीर, बड़ी चीर मतलब होता है कपड़ा। अंबुज और अम्बुद, जब जा लग जाए तो कमल होता है, दा लग जाए बादल होता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसको हम जब है प्राची पढ़ेंगे तब भी आपको बताएंगे। और जो लोग हमसे काफ़ी समय से जुड़े हैं, जिन्होंने हिंदी पढ़ रखी है, तो उनको पता होगा कि ये चीज़ ऑलरेडी कराया जा चुका है सब। दिन और दीन, दिन मतलब दिवस, दीन मतलब गरीब। यदा कदा, यदा मतलब जब और तब, ठीक है। शकल संकल, शकल मतलब क्या होता बताइए, शकल मतलब होता संपूर्ण और शकल मतलब अंश हो जाएगा। इति और इति, इति मतलब समाप्त होना, इति मतलब एक रोग है, ठीक है, बड़ी पे।
सर और सर, सर सर मतलब क्या होगा, तालाब, सर मतलब बाढ़, अली और आली ये भी ध्यान रखिएगा, अली मतलब होगा सखी, आली मतलब होगा सहेली। आगे बढ़ेंगे, आगे है आपका परिणाम और परिमाण। परिणाम क्या होता, आता है, परिणाम का मतलब आता है, जैसे हाई स्कूल का परिणाम आ गया तो परिणाम मतलब नतीजा हो गया, और परिमाण मतलब नाप तौल होता है, ठीक है। अन्न और अन्य, आ छोटा ना और बड़ा ना, इसका होता है अनाज, यही ये पहला वाला है। अन्य मतलब दूसरा हो गया, ठीक है, दूसरा अर्थ होता है दूसरा। अवधि और अवधि, अवधि मतलब क्या होता है, समय, और अवधि मतलब एक भाषा है, अवधि भाषा। कृपण और कृपाण, कृपण मतलब कंजूस हो गया, कृपाण मतलब तालाब हो गया, सॉरी तालाब नहीं, तलवार हो गया, कृपाण मतलब तलवार हो गया। तो ये जो अभी तक यूपी ट्रिपल सी ने समतुल्यात्मक सर्ग पूछे हुए थे, हमने उसको करा दिया है। आप लोग पढ़िएगा इतना, और विश्वास मानिएगा यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर नहीं भी मिलते हैं तो जितना आपने पढ़ा वो विकल्प में मिलेगा, और आप विकल्प से सही करने की स्थिति में होंगे। तो आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है, और एक सेट जो है हिंदी का, और लगाइएगा डेली गद्यांश वाला, जिससे गद्यांश में कोई दिक्कत आपको ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।